एवरी वन एक्चुअली आज मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है जो कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है तो मैंने सोचा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बट दिस इज़ समथिंग कि जो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ ज़रूरी है अगर मैं बात चले एक ही एक लोग के ही सही दो लोग ही सही अगर इंस्पायर होते या फिर थोड़ा बहुत ही मैं एक नाचीज़ इंसान हूँ यार बट मेरी अगर बात से कोई इंसान को अगर ये ख्याल आता कि मैं शायद मैं यही कर रहा था कि मैं ये गलती ना करूँ तो मेरी अगर बात करने से आप पे कोई भी असर होता है कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मुझे अल्लाह सुबह उसका अजर देंगे तो बात यह है कि देखिए यार आ, कुछ लोग ऐसे होते या फिर मतलब बहुत सारे मतलब मैं कहूँगी यार होते हैं कुछ लोग ऐसे कि जिनको यार बहुत ज़्यादा घमंड होता है घमंड किस चीज़ का है यार चलो ठीक है आपके पास लेट सपोज अभी पैसे हैं या फिर जो भी आपके पास पैसे हैं आपके पास आपके पास अच्छी हेल्थ है आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप आ, एक टॉप पोजिशन पर हो आपके पास यू नो इट कैन बी एनी रिस्पेक्ट uh, ये सिर्फ पैसे की रिस्पेक्ट में नहीं है किसी भी रिस्पेक्ट में होते हो सकता है जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा है या फिर दैट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स यू नो दैट कट्स यू फ्रॉम द क्राउड सो इट कैन बी एनी थिंग राइट यहाँ पे हम मेजरली हम पैसे की बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ समथिंग कि जो, जो हम uh, मतलब जो सब लोग रिलेट कर पाते हैं जो कि सारे लोग रिलेट कर पाएंगे आई एम श्योर तो बात यह है कि यार लेट सपोज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे है ठीक है तो मैं दिखाऊंगी यार मैं तो मेरे पास तो गाड़ी है मेरे पास तो बंगला है मेरे पास तो आ, सारी सु, आ, सारी यू नो जो सुख सुविधा की चीज़ है वो तो मेरे पास है तो उस बेसिस पे मुझे ये लगने लगेगा कि जो दूसरे इंसान है वो वो तो बहुत ही नीचे किस्म के इंसान है मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं जो दूसरा कोई इंसान है वो तो कितने कितना ही डाउन ट्रोडन है कितना ही ज़्यादा इन्फीरियर है मेरे सामने जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे है वो जो अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं या फिर सेहत दी है कितना ही अच्छा होता कि आप उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में यूज़ करते उस चीज़ को दूसरों की भलाई में यूज़ करते ऐसा समझ ले कि अल्लाह ताला की तरफ़ से आजमाइश है और वो देखना चाहते हैं कि मैं इन पैसों को किस तरीके से यूटिलाइज़ करूं ताकि जो बाकी सारे लोग हैं एक तो उनके लिए भी फायदेमंद हो और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो ना कि यह कि दूसरों को नीचा दिखाए आपके पास पैसे आप उस चीज़ का रौब दिखाओगे दूसरे इंसान को दूसरे इंसान को जलील करोगे उस पर उस पर एहसान पे एहसान किए जाओगे फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे एहसान जो है वो आप ऐसे करके चुकाओगे कि उस दूसरे इंसान को आप जलील करोगे उसको ऐसे दिखाओगे कि यार ये तो बहुत ही नीचा हमने तो इस पर एहसान पे एहसान किए अब उसको हम नीचा दिखाएंगे एक झटके में आप वो सारे एहसान जो है उसका बदला बहुत ही गंदे तरीके से और बहुत ही ऐसे तरीके से देते हो कि दूसरे इंसान को जलील कर देते हो हम एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं कि यार अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो ये हम नहीं कर रहे हैं ये अल्लाह सुबहाना वाली की देन है जो उन्होंने हमसे करवाया है यू आर जस्ट अ मीन्स ऑफ डूइंग दैट थिंग एंड नथिंग एल्स वो एक ट्रांसपोर्टर होता है ना जो एक, एक क्या बोलते हैं उसको मीडियन जो चीज़ें पहले तो ऊपर वाले की तरफ से आती है फिर एक मीडियन होता है बीच में फिर वो वहां से चीजें फिर सप्लाई हो जाती है बाकियों कंट्रीज तक या जो भी होता है समझ रहे हो आप इस बात को तो यार मैं बस यही कहना चाहती हूँ मैं पता ही मैं मैं भी यार खुद दूध की दुली नहीं हूँ नहीं हूँ मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती है बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यार अभी तक जितना भी मैं मैं चाहे मैं चौबीस साल की हूँ पच्चीस साल की हूँ जितने भी तीस साल की भी अगर मैं हो जाऊँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि यार मुझे ज़रा बराबर भी घुम मतलब गमंड नहीं है जर, और होगा भी किस चीज़ का किस चीज़ हमें यार कल को हम नहीं देखते हैं यार हमसे जितने भी ग्रेट ग्रेट जैसे अकबर द किंग एलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर जितने भी किंग्स रह चुके हैं या फिर किंग्स को छोड़िए प्रोफेसर व्लम है इतने ज़्यादा यार वो तो मतलब पूरी पूरी जो कायनात है या फिर अल्लाह ताला अगर चाहते तो हम लोगों पे अभी भी मतलब कुछ भी जिस तरीके का हमारा रवैया है लोगों के साथ वो तो हम पे क्या ही मतलब अजाब तो कब का आ गया होता बट ये तो प्रोफेसर असलम की देन है कि उन्होंने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि आप ना करिए ऐसा इनको मौका दीजिए मतलब कितने एहसान है हज़रत मोहम्मद मोमल्म पे तो मैं बात कर रही थी हज़रत मोहम्मद मोम की वो तो यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है इतने ज़्यादा पूरी दुनिया मतलब हम मैं उन पर निसार हूँ तो वो कितने ज़्यादा हम्बल थे और किस तरीके से उन्होंने वो अगर चाहते तो वो अगर चाहते तो वो कैसी ज़िंदगी गुजारते वो तो लैविश किस्म की ज़िंदगी गुजारते बट एक डॉक्टर इसरार का मैंने मैं एक सुन रही थी आ, कुछ एक दो महीने हो गए उसमें वो बोल दे कि हज़रत मऊसम फरमाते हैं मैं मुसाफिर हूँ और ये मतलब इस एक दर्द के साय के नीचे बैठा हूँ यहाँ से उठूँगा तो फिर दूसरी मतलब यहाँ से सफ़र करके मुझे दूसरी दुनिया में जाना है मुझे यहाँ नहीं रहना है मैं तो बस यहाँ पे यहाँ पे बस सफ़र के लिए आया हूँ एक मुसाफिर की आप अस्तफर आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा मतलब मैं तो आई कूडेंट इवन एक्सप्लेन इट्स इट्स कम्प्लीटली इट्स इन इनएक्सप्लिकेबल कि जो हज़रत मोमलम का कैरेक्टर था तो हम किस चीज़ हम हम किस खेत की मूली है हमें एरोगेंस है हमारे पास गाड़ी है हमारे पास बंगला है हमें लगता है हमारे पास बैंक बैलेंस है हम पता नहीं कौन है क्या हो तुम बताओ अल्लाह ताला का अजाब आएगा अल्लाह ताला एक सेकंड भी नहीं लगेगा कन फयाकन हो जाओ हो जाता है एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी जो हेल्थ है आपकी जो आपका जो पैसा है वो किस तरीके से चला जाएगा आजकल हम क्या कर रहे हैं लोगों पे एहसान करते हैं फिर उनको जलील कर देते हैं बीच चौराहे है पे उनको जलील कर देते हैं आप मुझे बताइए ये ये किस ये ये कौन सी ये कौन सी विजडम है और ये कौन सा क्या इसलिए अल्लाह से बना ने आपको दौलत दी थी या आपको उस काबिल बनाया था कि आप यू नो you know, आप दूसरों आप अब दूसरों से आपको यूनिक बनाया था इन टर्म्स ऑफ मनी में भी इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग इट कैन बी इंटेलिजेंस इट कैन बी एनी थिंग बट अभी मैं मनी की बात करूँ बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम मनी को लेते हैं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अमीर होना गलत बात है बिल्कुल भी गलत बात नहीं है बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अमीर हो तो आप दूसरों को नीचा नीचे नज़र से देखो आप दूसरों को ऐसे फील कराओ कि यार मैंने तो तुम पे एहसान किया है तो फिर उसके बदले में आप फिर जब फिर जब कुछ हो जाएगा आप उसको जलील कर दो उसको ताने सुनाओ आप मुझे बताओ <laughs> बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं यार बहुत ही और अगर वो इंसान जिसको आपने जलील किया है अगर उसके दिल से दुआ दुआ निकलेगी या फिर उसके दिल से जो आह निकलेगी ना आप कहीं के भी नहीं रहोगे सो so, अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं अपने आपका हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे अगर कोई चीज़ हमें अल्लाह सुबह ती है हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं क्या हम उसको लोगों की भलाई के लिए यूज़ करें अपनी भलाई के लिए यूज़ करें या फिर अयाशियों में खर्च कर रहे हैं ठीक है ना घूमने फिरने में खर्च कर रहे हैं बाकी सारी जितनी भी अयाशियाँ हैं उनमें खर्च कर रहे हैं और एक इंसिडेंट यहाँ यार शादियाँ हमारे यहाँ होती है सात सात दिन तक वाजवान चलता है सात सात दिन तक पता नहीं क्या क्या फिजूल की चीज़ें होती है अगर आप अमीर हो आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हो आप शादी उस तरीके से कर करते कि बाकी सारे लोगों में एग्ज़ाम्पल रहती कि यार ये तो फ़लानी आदमी बहुत अमीर था और कितनी कितने हम्बल तरीके से और कितने कितनी सादगी से शादी की दूसरे लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल रहती बट हम क्या करते हैं यार अमीर है कोई तो हम तो सात सात आठ आठ दिन पता नहीं क्या फिजूल की चीज़ें करते हैं वो शादी नहीं वो फिर बर्बादी होती है फिर लास्ट में उन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बुरे होते हैं अल्लाह ताला ही जानते हैं या तो डिवोर्स या तो कुछ और क्यों क्योंकि हमने इस तरी हमने हमने तो दुनिया को दिखाने के लिए शादी की है हमने हमने खुद के लिए थोड़ी शादी की है ठीक है अल्लाह ताला को खुश करने के लिए थोड़ी शादी की है गुनाहों से बचने के लिए थोड़ी शादी की है हमें तो शो ऑफ करना है लोगों को दिखाना है कि हम कितने अमीर हैं या फिर जो भी है कल को आपके पास पैसे हैं आप अमीर बनेंगे इन तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको वो चीज़ दी है उसको दूसरों की भलाई के लिए यूज़ कीजिए अपनी भलाई के लिए यूज़ कीजिए अल्लाह ताला की राह में उसको यूज़ कीजिए ये सब अयाशा मत कीजिए ये सब फिजूल की चीज़ें मत कीजिए और दूसरों को जलील मत कीजिए आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं फिर उसका बदला जलील होकर मत दीजिए फिर कभी कुछ हो गया उसको जलील करेंगे बीच चौराहे में उसको जलील करेंगे उससे बेहतर है कि आप करिए ही मत कुछ भी डायरेक्टली बोल दीजिए कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कल को जलील करने वाले हैं उस इंसान को ठीक है ना होप इस बात का आप ध्यान रखेंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अमीर बनाए हर किसी इंसान को लेकिन उस तरीके से बनाए कि हम उस चीज़ को दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करें अपनी भलाई के लिए यूज़ करें अपने आने वाली नस्लों की भलाई के लिए यूज़ करें या तो फिर हमें गरीब ही रखे या तो फिर हमें मौत ही दे ऐसी अमीरी से मौत ही बेहतर है कि आप किसी और इंसान को ठेस पहुँचाओ और उसको जलील करो जस्ट बिकॉज वो गरीब है उसके पास पैसे नहीं थे वक्त पे और उस और उस एहसान का बदला फिर आप इस तरीके से लेते हो उसको जलील कर देते हो ऐसी तो ऐसी अमीरी से अल्लाह ताला मौत ही दे ऐसी अमीरी चाहिए ही नहीं सो so, चलिए अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और कोई आपके साथ गलत करता है इट्स ऑल राइट उसको माफ़ कर दीजिए अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे और मैं कहूँगी कि उनसे दूरी ही बनाए रखें उनसे जितना हो सके दूर रहिए ओके एंड डोंट वरी अल्लाह सब सब ठीक करेंगे हम अच्छे रहेंगे हम अपना एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रखेंगे इन ताकि अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजे और हमारी जो आखिरत है वो अच्छा करें इन शाला सो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज एंड अच्छी बात लगी हो तो यार मेरे लिए दुआ करना थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव